की हार्दिक बधाई। आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं शिक्षक दिवस को मनाने के लिए। यह दिवस हम हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग मिलकर शिक्षक दिवस मनाते हैं। और उन्होंने एक चीज कहा है कि शिक्षक वह होता है जो बच्चों को जबरदस्ती किसी चीज को थोपे ना। शिक्षक वह होता है जो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करे। इसीलिए शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह बच्चों को अधिक से अधिक आगे यानी उनका जो भविष्य है जो उनके सामने चुनौतियां खड़ी होंगी उसको संभालने का उनके पास गुण होना चाहिए जिससे कि वे लोग भी बहुत आगे बढ़ सकें। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करें और यदि कोई समस्या होती है तो आप सभी लोग अपने शिक्षकों से समझें। धन्यवाद। शिक्षक दिवस मनाना एक कार्यक्रम की तरह अगर बात हो गई लेकिन अपने गुरुजनों का आदर अपने मन में रखना छोड़ रखा। आप लोग विद्यालय से बढ़िया अगर अपने शिक्षकों यही नहीं है बीमा करवाए हैं यहाँ से आप जब शिक्षा प्राप्त करके उस शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे तो जो एक आदत आपके आपकी बनी रहेगी बचपन से वो आगे भी बनी रहेगी। उससे आप जहाँ भी रहेंगे आपके सम्मानित जो है जिला से देखा जाएगा आपके जो आगे विद्यालय महाविद्यालय की शिक्षक हैं वह भी आपको जो है मोटिवेट करेंगे आपसे अच्छा नहीं करेंगे। तो आप अपने गुरुजनों का आदर करिए गुरुजनों की बातों का अनुसरण करिए उनके बताए हुए निर्देशों पर चलने का प्रयास करें। ठीक है ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने जीवन में करते हैं शिक्षा काल में शिक्षा काल में करने की जरूरत है ये तीन चीज़ें अगर करते हैं आप सफलता आप सफल रहेंगे हर क्षेत्र में सफल रहेंगे। जितने विद्यालय हैं सब जितने विद्यार्थी हैं सबका अलग अलग लक्ष्य होगा हमको आगे चल के ठीक है सबका अलग अलग लक्ष्य है ना। और अपने लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आप मेहनत भी कर रहे होंगे उसी हिसाब से परिश्रम भी कर रहे होंगे तो ये सब चीज़ें जो जितने दिन जितने तो हम लोग दिखाते हैं ये जीवन पर्यंत होती नहीं ये हमेशा याद रहता है कि हमारा विद्यालय हमको क्या सिखाया है ये आप जो है ध्यान रखें हमेशा शिक्षकों की बातों का अनुसरण करिए उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करिए उनसे जो भी भाव देना है तो लीजिए जो भी परेशानियाँ आपको शिक्षकों को जो है बता के उसको दूर करने के अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए हमारा ही आपको आशीर्वाद है अपने जीवन में सफल आपके लिए क्या श्री सरवण सर जी शिक्षक दिवस के बारे में आप सभी लोगों को बताएं।
जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। आप ये जानते हैं कि जो शिक्षक को लेकर बताया क्यों बना है। वैसे तो हमारे जो राष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति थे उनके और जो सोचने के ये बात है कि शिक्षक दिवस अर्थात जो हमारे कवि कहे गए हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु को पुष्टि गुरु के देवो महेश्वर अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही वही। तो इसमें यह होता है, इसका यह होता है कि जो ब्रह्मा अर्थात जो गुरु होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं क्योंकि वो हमारे अर्थात जो शिष्य होते हैं उनको उनका सही से देखभाल या उनका जो है परिपाल करते हैं हमारे। और विष्णु जो है ये हमारे जीवन को अर्थात जो शिष्य होते हैं उनके प्रति इनका पालन करते हैं। महेश होते हैं जो कि हमारे विकार होते हैं अर्थात जो हमारे कमियां होती हैं उनको समाप्त करते हैं। तो शिक्षक जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो कुछ हम मनुष्य में सीखते हैं वो हमारे शिक्षक और व्यापारी होते हैं। तो आप विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस का पुनः शुभेच्छा। इसी के साथ मैं अपना जो है सत्र समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों के हाथ में भी खान पान का बहुत